हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के दो नेताओं के बीच चल रही आपसी छींटाकशी से परेशान होकर बिलासपुर में 5 कांग्रेस के जिला विभाग अध्यक्षों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप के पास सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व में रहे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने केवल अपनी राजनीतिक सुख भोगने के लिए सब कुछ किया और पार्टी कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता बताएं कि इन्होंने संगठन और कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए क्या किया। वहीं उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को संगठन का मसीहा तक करार दिया। ये इस बात का अवश्य जवाब दें कि उन्होंने अपने समय में कांग्रेस पार्टी के कितने स्थायी कार्यालय, कितने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को कितने रोजगार और कितने उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए प्रयास किए हैं। अगर सही अर्थों में मैं समझता हूं कि ये सारे प्रयास मेरी नज़रों में नगण्य है, क्योंकि संगठन आज जिस स्थिति में हमारी सत्ता में रहते हुए पहुंचा है वो एक प्रश्न चिन्ह है, उसके ऊपर है। और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की मेहनत है, जिन्होंने अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, अपनी नेतृत्व करने की क्षमता से संगठन को बहुत अच्छी तरह से मजबूत किया है। और अगर सत्ता का भी सहयोग उनको मिलता तो आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी उनके बराबर खड़ी नहीं हो पाती। पार्टी और संगठन के बारे में इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे गिरता है। होना ये चाहिए था कि राजा वीरभद्रा सिंह संसदीय चुनाव आने की इस बेला पर आज भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विरोधी दलों के बारे में बोलते, लेकिन उनके बयान और उनके कुछ समर्थित व्यक्तियों के बयान जो संगठन के कार्यकर्ताओं और संगठन के प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बारे में जो आए हैं, उसका पार्टी भर्त्सना करती है और निंदा करती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले 6 वर्षों में पार्टी को बूथ स्तर पर सक्रियता लाने में बहुत ज़्यादा काम किया है। पार्टी को कमज़ोर करने के लिए सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा जिस तरह से पार्टी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, घटिया शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, उससे आम कार्यकर्ता हत है। और हमारे आज ही 5 हमारे जिला के प्रमुखों ने इस्तीफे दिए हैं, और आने वाले समय में अगर ऐसी ही प्रक्रिया, ऐसे ही जो है वो बड़े बड़े नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं के ऊपर घटिया बयानबाजी होती रहेगी तो हम भी जाकर राहुल गांधी जी के पास इस्तीफे सौंप सकते हैं।